हेलो स्टूडेंट्स, तो आई विश आप लोग स्वस्थ होंगे, घर में होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो कल के क्लास में हमने स्टार्ट कर लिया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, वहां तक आप लेक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। कल के क्लास में अगर आप देखें तो लास्ट पॉइंट जो हमने किया था वो था, हमें ये समझ में आया कि हमारे बॉडी के अंदर, हम कहने का मतलब ह्यूमन जो है वो होलोजोइक ओमनिवोरस हेटरोट्रॉप्स, इन बात किए थे कि ह्यूमन होलोजोइक ओमनिवोरस हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, यानी कि वो प्लांट प्रोडक्ट भी कंज्यूम करेगा, एनिमल मटेरियल भी, एनिमल फ्लेश भी खा सकता है, और होलोजोइक है यानी कि डाइजेशन 5 स्टेप में होगा। सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। और हमारे बॉडी के अंदर मैंने बताया था जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं सबको परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में क्या है, अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम है। तो डाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए भी हमारे बॉडी में क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी में डाइजेशन परफॉर्म करता है। ओके, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कब तक है, हम जो कॉम्प्लेक्स फूड इंजेस्ट करते हैं उसे वो क्या करता है, फाइनली कन्वर्ट कर देता है सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स में, जो कि हमारी बॉडी क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो कल के क्लास में हमने देखा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से बना हुआ है, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल क्या है, एक लंबा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है अनइवन थिकनेस का, यानी कि कहीं उसका थिकनेस अधिक है कहीं उसका थिकनेस कम है। तो थिकनेस उसका, यानी कि अनइवन थिकनेस का एक लंबा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है हमारा एलिमेंट्री कनाल, और उसी एलिमेंट्री कनाल के अंदर या उसी एलिमेंट्री कनाल में एसोसिएटेड अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। अलग अलग क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, सर्टेन केमिकल्स जिसे हम कहते हैं एंजाइम्स, और वही एंजाइम क्या करते हैं, वही एंजाइम कॉम्प्लेक्स फूड को या फूड के अंदर मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में। तो कल हमने बात की थी एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स की। अगर हमने बात की तो हमने शॉर्ट में ओवरव्यू किया था कि हमारा एलिमेंट्री कनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक होता है, पहले माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में एनस। ये हमारे एलिमेंट्री कनाल के, ये आपको याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है, सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस। ये हमारा सीक्वेंस है हमारे एलिमेंट्री कनाल। और फिर हमने ग्लैंड्स की बात की थी, तो ग्लैंड्स में भी मैंने बोला था कि कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जो एलिमेंट्री कनाल के अंदर ही मौजूद है और कुछ ऐसे हैं जो उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, जैसे ग्लैंड्स की बात करें तो मेन मेन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला सेलेवरी ग्लैंड, फिर उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर उसके बाद लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये मेनली हमारे बॉडी के अंदर मौजूद ग्लैंड्स। इतनी बातें हमने पिछले क्लास में कर ली थी। आज हमें बारी बारी से सारे पार्ट्स, जो भी एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स हैं, वो सारे को धीरे धीरे से कंप्लीट करना है, और आज का ये होगा। और ये कंप्लीट करने के बाद, एनस तक पहुंचने के बाद, हमारे ये जो न्यूट्रिशन का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम रिस्पायरेशन में मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ से। ओके, तो सबसे पहले है आपका माउथ। सबसे पहला पार्ट है माउथ। किसे नहीं पता है माउथ, आपके पास भी माउथ है, मेरे पास भी है, हम सभी के पास माउथ है। तो माउथ क्या है, तो अगर सिंपल में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि माउथ हमारे एलिमेंट्री कनाल का ओपनिंग है। हमारा एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से ही ना, और एंड कहां होता है, एनस पर। तो माउथ क्या है, हमारे एलिमेंट्री कनाल का ओपनिंग है। डिफिनेशन देखिए नोट में है कि माउथ इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल थ्रू विच फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ हैंड। यानी माउथ हमारे एलिमेंट्री कनाल का ओपनिंग होता है या ओपनिंग है जिससे कि फूड इंजेस्ट किया जाता है, किसके हेल्प से, हैंड की मदद से। थोड़े हम लोग डायरेक्ट माउथ को थाली में ले जाएंगे, हाथ से खाना ना माउथ तक पहुंचाते हैं कि एकदम बकरी जैसे लग जाओ,
ऐसा थोड़े है, हम लोग हाथ से पहुंचाते हैं। तो माउथ हमारे एलिमेंट्री कनाल का ओपनिंग है जो जिसके थ्रू हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, किसकी मदद से, हैंड की मदद से। ठीक, अगर माउथ का देखो तो माउथ जो है वो कवर्ड, या माउथ के सबसे आगे वाला जो पोर्शन है वो लिप्स है, यही ना है, यही खुलता है ना। तो माउथ जो है वो ब्रॉडेड होता है किससे, लिप्स से। किससे होता है, लिप्स से। और माउथ इस लिप्स के अंदर जाइएगा तो कैविटी है, अंदर वाला कैविटी, जिस कैविटी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, वो कैविटी जिससे हम बक बक करते हैं, इसलिए बक्कल कैविटी, याद रखने के लिए। माउथ के अंदर के कैविटी को क्या कहोगे, बक्कल कैविटी, बक बक करने वाला कैविटी। तो माउथ जो है वो ब्रॉडेड होता है किससे, लिप्स से, और माउथ के अंदर मौजूद होता है क्या, बक्कल कैविटी। तो हमारा ये लिप्स हुआ, और लिप्स के अंदर ये जो अंदर देख रहे हो, अंदर में अंदर यहां पर, तो फिर अंदर में पैट शुरू हो जाएगा, फेरिंग से स्टार्ट हो जाएगा, इसके बीच में जो ये खाली जगह है वो पूरा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या क्या है, तो बक्कल कैविटी में मेनली तीन चीजें हैं डाइजेशन से एसोसिएटेड, ध्यान से सुनिएगा। तीन चीजों में सबसे पहला है टंग, सेकेंड है टीथ, एंड थर्ड है सलाइवरी ग्लैंड। ध्यान सुनिएगा, बारी बारी से हम स्टार्ट कर चुके हैं। माउथ क्या है, आपको समझ में आ गया, माउथ ओपनिंग है हमारे एलिमेंट्री कनाल का, जिससे होके थ्रू विच इंजेस्ट आवर फूड विद द हेल्प ऑफ हैंड, एंड माउथ इज ब्लॉडेड बाय लिप्स, एंड इनसाइड द माउथ अ कैविटी इज प्रेजेंट कॉल्ड बक्कल कैविटी, या कैविटी इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। ओके, तो और बक्कल कैविटी में मेनली कौन कौन से पार्ट है, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। अब हम बारी बारी से देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं टंग। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या है, टंग ही है। आपको पता है कि टंग है, ठीक है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं ये जब हम मसल्स पढ़ रहे थे टिश्यू चैप्टर में, नाइन्थ में, तो मैंने बताया था। और क्यों है टंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि सबसे अधिक एक्सरसाइज वही करता सारे दिन में हमारे बॉडी के अंदर। वैसे तो हार्ट के मसल सबसे अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन जितने भी ऐसे मसल्स हैं, यानी कि बॉडी के बाहर वाले मसल जो हमारी इच्छा से काम करता है, हार्ट तो लगातार लगा ही रहता है, उसको तो स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। लेकिन इधर के मसल्स में अगर हम देखें, जो हमारा वॉलेंट्री मसल्स है जितने भी, उनमें टंग जो है वो सबसे अधिक यूज होता है, सारा दिन तो काम करता ही रहता है, हम बोलते जब भी है तो टंग हिलता ही है ना, तो कंटिन्यूअस एक्सरसाइज में होता है, तो टंग हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। चलिए इस पे नहीं जाते, तो टंग डाइजेशन के लिए देखते हैं। तो टंग का डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गेन विच बियर्स टेस्ट बड्स, यानी टंग एक मस्कुलर ऑर्गेन है जो बियर करता है क्या, टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स मींस छोटी छोटी सेल्स, रिसेप्टर सेल्स होती है, रिसेप्टर सेल्स, रिसेप्टर सेल्स मतलब जो कुछ डिटेक्ट कर सकता है, जिसको मतलब समझ लीजिए ना, हमारे बॉडी में अलग अलग हमारे जितने भी सेंस ऑर्गेन है उनमें रिसेप्टर सेल्स होती है जो स्टिमुलस रिसीव करती है। स्टिमुलस, अब आपको सर ये स्टिमुलस क्या होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम देखेंगे। स्टिमुलस का मतलब हुआ कि कोई सराउंडिंग में मौजूद कोई ऐसा चेंज या कोई ऐसा चीज जिसके लिए हम रिएक्ट करते हैं। मान लो कि तुम खा रहे हो और एकाएक तुम्हारे मुंह में मिर्ची चला जाए, तो तुम रिएक्ट करोगे ना, या खाना खाने बैठा, खाने से बड़ा अच्छा सुगंध आ रहा था, वाह जबरदस्त है खाना का सुगंध आ रहा था, वो कहां से आ रहा था, नाक से, रिसेप्टर्स वहां भी लगे हुए हैं, नाक भी क्या कर रहा है, स्मेल दे रहा है आपको, रिसेप्ट कर रहा है। आप खाने के लिए बैठे, अब पता चला कि वाह सब्जी में तो पूरा नमक ही नमक है, तो आप रिएक्ट कीजिएगा ना उसके लिए। तो कोई भी ऐसा चीज जिसके लिए आप रिएक्ट करते हैं क्या कहलाता है, स्टिमुलस। और वो जो स्टिमुलस है उसको रिसीव कौन करता है, आपकी बॉडी में आपके सेंस ऑर्गन्स, और सेंस ऑर्गन कैसे करते हैं, उनके पास रिसेप्टर सेल्स होता है। तो हमारे हमारा आपको पता है हमारा टंग भी पांच सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन है। तो टंग के पास क्या है, टेस्ट बड्स हैं, और जो कि क्या करते हैं, जो कि टेस्ट करते हैं खाना, हम जो कुछ खा रहे हैं उसको वो टेस्ट करते हैं। और तो टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गेन है जिसके पास टेस्ट बड्स होता है, जो टेस्ट बड बियर करता है, और ये मदद करता है सलाइवा को फूड में मिक्स करने के लिए। हम जब खाना खाते हैं तो सलाइवा सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, तो वो सलाइवा फूड में मिक्स होना है ना उसको, तो फूड में मिक्स करने में कौन मदद करेगा, टंग। तो टंग क्या हुआ, सबसे पहले तो मस्कुलर ऑर्गेन है जिसके पास टेस्ट बड है, टेस्ट करने का पहला काम हो गया। दूसरा काम वो क्या कर रहा है, सलाइवा को मिक्स कर रहा है फूड में। और तीसरा काम वो क्या कर रहा है, फूड को स्वेलो करने में यानी निगलने में हमारी मदद कर रहा है। बिना टंग की मदद के आप फूड को निगल नहीं सकते,
अब जब खाना निकलते हैं तो कैसे निकलता है, आपका टंग क्या होता है ना, ऊपर वाले में जाकर के ऊपर जो प्लेट है बकल कैविटी का जो अपर प्लेट है उसमें जाकर टंग सटता है, और टंग ऐसे जाके सटता है, ऐसे अगर मान लो कि ऐसे जाके सटता है ऐसे दबाता है तो फूड क्या हो जाता है ना, पुश हो जाता है आपके ट्यूब में चला जाता है, फेरिंग्स में चला जाता है। तो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गेन विच बियर टेस्ट बड्स, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा एंड ऑल्सो हेल्प इन स्वेलिंग द फूड। ये टंग के तीन काम हो गए, टंग समझ में आ गया होगा शायद। चल तो टंग से आगे बढ़ते हैं भाई, क्या टीथ, माउथ के अंदर में आपने देखा माउथ, माउथ के बारे में अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, वैसे नोट में लिखा हुआ है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं कि ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। और मैंने बताया कि माउथ के अंदर तीन, सबसे पहला टंग, टंग, फिर उसके बाद टीथ, और थर्ड एंड लास्ट है सलाइवरी ग्लैंड। ओके ना, सलाइवरी ग्लैंड। तो टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड, ये तीन है। तो टंग क्या है हमने क्लियर कर लिया, टंग मस्कुलर ऑर्गेन है जो टेस्ट बड बियर करता है, सलाइवा को फूड में मिक्स करने में हेल्प करता है और खाने को निगलने में मदद करता है। बात है टीथ पर, टीथ आप भी जानते हैं टीथ क्या होता है, टीथ हमारे बकल कैविटी में मौजूद हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स ये। तो टीथ जो है हमारे बकल कैविटी में मौजूद हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फूड को, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को तोड़ते हैं फिजिकली, केमिकली नहीं, फिजिकली। डेफिनेशन पहले देख लीजिए, आपने नोट में लिखा हुआ है कि टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन बकल कैविटी, यानी टीथ बकल कैविटी में मौजूद हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं व्हिच ब्रेक डाउन द इंजेस्टेड फूड, यानी जो इंजेस्टेड फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसे तोड़ता है इंटू स्मॉलर पीसेस। यानी टीथ हार्ड स्ट्रक्चर्स, टीथ इज हार्ड, टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी व्हिच ब्रेक डाउन द इंजेस्टेड फूड इंटू स्मॉलर पीसेज। और कल के क्लास में मैंने बात की थी कि स्मॉलर पीसेज में तोड़ना क्यों जरूरी है, जिससे कि क्या हो, फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए जिससे कि एंजाइम उस पर बेहतर तरीके से एक्ट कर सके। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एंजाइम ज्यादा बेटर से एक्ट कर पाएगा ना बाबू। तो टीथ क्या करता है, फूड को स्मॉलर पीसेज में तोड़ता है जिससे कि उस पर एंजाइम क्या हो सके, बेटर एक्ट कर सके। ओके ना, ठीक है। तो यही करता है। और ये जो ब्रेकिंग डाउन है, कल भी मैंने बात की थी, ये जो ब्रेकिंग डाउन है फूड का छोटे छोटे पीसेज में, इसे हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल डाइजेशन। ये कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। अरे भाई, मान लीजिए आपके पास एक सेब है, उस सेब को आप ले लीजिए और एक कोई खल मुसल लेकर के उसको चूर दीजिए, तो अब सेब क्या हो गया, उसका मतलब पेस्ट सा बन गया, फिर भी वो सेब ही है ना, कुछ नया थोड़े हो गया, वो फिजिकल चेंज है ना बुआ। या मान लीजिए आपके पास चीनी है, कल एग्जांपल हमने लिया था चीनी है, चीनी को आप मान लीजिए मिक्सर में डाल के उसको पीस देते हैं, चीनी एकदम बुरादा साइब हो जाता है, फिर वो चीनी है, फिजिकल चेंज हुआ ना, तो ये केमिकल नहीं ना हुआ। उसी तरह हमने क्या किया, जब खाना हमने इंजेस्ट किया, हमारे टीथ ने क्या किया, उसे ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉलर पीसेज में, तो फिजिकल ही हुआ ना ये, इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल डाइजेशन। क्या कहेंगे, फिजिकल डाइजेशन। तो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड इंटू ए स्मॉलर पीसेज इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। ओके, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इंटू ए स्मॉलर पीसेज इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। इट इज नेसेसरी बिकॉज ड्यू टू दिस द सर्फेस एरिया ऑफ इंजेस्टेड फूड इंक्रीजेज विच हेल्प द एंजाइम टू एक्ट ऑन इट इजली। ये क्या होता है, फूड क्या करता है, छोटे छोटे पीसेज में होने से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उस पर जो एंजाइम्स है उस पर इजिली एक्ट कर सकती है। तो फिजिकल डाइजेशन क्या है समझ में आया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है समझ में आया। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल डाइजेशन, हम कहेंगे ड्यू टू फिजिकल डाइजेशन द सरफेस एरिया ऑफ इंजेस्टेड फूड इंक्रीजेज, एज ए रिजल्ट द एंजाइम्स कुड एक्ट ऑन इट इजिली। ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, टीथ की अगर हम बात करें तो हमारे मुंह में जो टीथ है वो जॉज में इंबेडेड है। हमारा जो ये टीथ है वो क्या है, हमारे जॉज में धसा हुआ। तो टीथ जो है हमारे माउथ में वो जॉज के अंदर इंबेडेड है।
embedded in jaws. हमारे body में कितने jaws हैं? दो, upper and lower. अपर एंड लोअर मैमेलिया पढ़ चुका है बायोडाइवर्सिटी में. बार बार मैं वहां से कनेक्ट इसलिए करता हूं कि आपको याद आ जाए कि मैंने वहां भी पढ़ लिया, नया नहीं है ये. तो हमारे पास कितने जॉज हैं? दो जॉज, ठीक है ना. एक अपर जॉ है, एक लोअर जॉ है. अपर जॉ फिक्स्ड है. इवन मैंने बात की थी कि जितने मैमेलिया के मेंबर है सबका अपर जॉ क्या है? फिक्स्ड है. लोअर जॉ मूविंग है, ठीक है ना. लोअर जॉ मूविंग है. तो हमारे पास ह्यूमन के पास दो जॉज हैं. वन इज अपर फिक्स्ड जॉ एंड अदर इज लोअर मूविंग जॉ. हम सिर्फ ये नीचे वाला जबड़ा हिला सकते हैं. देखिए ना, ये नहीं हिला. हम जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि दोनों हिला, ऐसा नहीं है. देखिए ये ऐसे हाथ रखिए और इसके बोल रहे हैं. देखिए ना, ये हाथ कुछ हिल नहीं रहा, ये तो फिक्स है. नीचे वाला नहीं हिल रहा है. ये जॉज ऊपर नीचे होता है, ऊपर वाला जॉज कहीं जाता होता नहीं है. तो नीचे वाला जॉज मूविंग है, अपर जॉ क्या है? फिक्स्ड. तो वी हैव टू जॉज, वन इज अपर फिक्स्ड जॉ एंड अदर इज लोअर मूविंग जॉ, ठीक है. हमारा अगर आप दांत देखें, दांत का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, तो दांत के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, हम दांत अगर बनाए तो बनाते हैं. वैसे पेंटिंग उतना बेटर तो नहीं होगा, फिर भी देखते हैं. अगर आप दांत को देखेंगे सॉकेट्स में, तो दांत कुछ ऐसा टाइप का होता है. इसी टाइप का दांत होता है, ठीक है ना. मोलर टाइप बन गया, जैसा भी बना, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा उतना फोटो में नहीं देखना है, ठीक है ना. और अगर आप देखेंगे ना, तो दांत का इतना पोर्शन जो है वो जॉज में धंसा हुआ होता है, और कुछ पोर्शन इसका ऊपर होता है. कुछ पोर्शन हमें दिखता है, कुछ पोर्शन दांत में धंसा हुआ होता है. तो दांत के तीन पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा. दांत के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं. टीथ, अगर आप ये टूथ की बात करें, टूथ का अगर आप देखें तो इसके तीन पार्ट होंगे. सबसे पहला होगा क्राउन, हाँ क्राउन, राजा वाला, मुकुट वाला क्राउन. क्राउन, उसके बाद होगा नेक, और लास्ट होगा रूट. क्राउन, नेक और रूट. क्राउन वो पार्ट है जो आपको दिखता है, ये जो आपको दिख रहा है दांत का जो पार्ट आपको दिखता है वो क्राउन है. और क्राउन के जस्ट नीचे ये हो गया, ये जो टॉप वाला पार्ट है ये क्या हो गया बुआ? ये हो गया क्राउन. क्या हो गया? ये क्राउन. अपर पार्ट जो दिख रहा है वो क्या है? क्राउन. क्राउन के जस्ट नीचे, यानी नीचे वाला जो धंसा हुआ है, जो जॉज में धंसा हुआ पार्ट है वो है रूट. वो क्या है? रूट. तो क्राउन है जो पार्ट दिख रहा है, और रूट है जो धंसा हुआ है. और रूट और क्राउन के बीच में एक पतला सा नैरो सा पार्ट है, वो क्या है? नेक. यानी यहां जो पार्ट है जो कि दिख, मतलब रूट और क्राउन के बीच वाला, वो क्या है? नेक. समझ गए? तो क्राउन, नेक और रूट. क्राउन हो गया दांत का वो पार्ट जो आपको दिखता है, रूट हो गया वो पार्ट जो जॉज में धंसा हुआ है, और नेक हो गया रूट और क्राउन के बीच वाला पार्ट, नैरो सा पोर्शन. समझ में आ गया? दांत के तीन पार्ट, क्लियर है ना? ओके, ठीक है. तो देखिए, आप नोट्स में देखिए लिखा हुआ है कि ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट. फर्स्ट इज क्राउन, इट इज द एक्सपोज पोर्शन ऑफ टूथ. ठीक, यानी कि ये टूथ का क्या है? एक्सपोज पोर्शन है, एक्सपोज पोर्शन ऑफ टूथ. हाँ, अब एक बात और, क्राउन जो होता है ना वो कवर्ड होता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट केमिकल, जिसे हम कहते हैं इनेमल. हमारे दांत का जो क्राउन है उस पर क्या होता है? इनेमल होता है. वो इनेमल से कवर्ड होता है, ठीक है ना. और जो कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हमारे बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेस में सबसे हार्डेस्ट इनेमल है. तो क्राउन जो है वो कवर्ड होता है इनेमल से, जो कि टूथ, ये क्या करेगा? टूथ को प्रोटेक्ट करेगा. हम लोग क्या नहीं खा जाते हैं? खाना खाते खाते पत्थर भी चला जाते हैं, कई बार मुंह में चला जाता है, गन्ना खा जाते हैं, अखरोट फोड़ देते हैं दांत से. नहीं, तो दांत इतना हार्ड है ना, तो इस दांत को प्रोटेक्शन की जरूरत है ना भाई, प्रोटेक्शन की जरूरत है. तो प्रोटेक्शन की जरूरत, प्रोटेक्शन कहां से मिलेगा? प्रोटेक्शन कौन देगा? तो इनेमल देगा. कौन देगा? इनेमल. इनेमल से कवर्ड होता है कौन? टूथ का क्राउन. और क्राउन और वो एनिमल करता क्या है? टूथ को प्रोटेक्ट करता है, एक्सपोज पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. और ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, कौन? इनेमल. ठीक है. अब इसके बाद अगर नेक की बात करें, तो नेक आपको समझ में आ गया, अभी मैंने तुरंत बात की थी कि वो बीच वाला पार्ट. तो देखिए क्या है, इट इज अ नैरो पोर्शन ऑफ
द गम लाइन, नेरो पोर्शन एट द गम लाइन, यानी कि जहां गम है उसी पर क्या है, नेक है, दांत का नेक है, मतलब बिल्कुल पतला सा, और उसके नीचे जो धसा हुआ है क्या है, रूट है। तो इट इज रूट के बारे में लिखा है, इट इज द इम्बेडेड पोर्शन ऑफ टूथ इन द जॉ बोन, इट होल्ड द टूथ इन पोजिशन, यानी कि ये जॉ बोन में धसा हुआ पार्ट है टूथ का, जो टीथ को क्या करता है, पोजिशन में बनाए रखता है। तो दांत के तीन पार्ट समझ में आ गए, आ गए होंगे, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखिए तो हमारे पूरे लाइफ स्पेन में, हमारे पूरे जीवन काल में दो बार दांत आता है, हाँ दो बार दांत आता है, सबको पता है इसमें क्या है, हमारे पूरे जीवन, इसको मिटाते हैं, ठीक है, वो डायग्राम आपके नोट में भी दिया हुआ है, या आप यहां से भी चाहे तो बना सकते हैं, ओके ठीक है। तो हमारे पूरे लाइफ स्पेन में दांत कितनी बार आता है, दो बार, पता है आपको, एक बार मिल्क टीथ और एक बार परमानेंट टीथ। जब हम दुनिया में आए, पैदा हुए, तो हमारे मुंह में दांत नहीं था, हाँ हमारे मुंह में दांत नहीं था, दांत बाद में आता है ना, तो सिर्फ जॉज था, दांत नहीं था। ये आप कह सकते हैं कि दांत नहीं था या दांत जॉज के अंदर था, ये कहना चाहिए, दांत तो था, दांत जॉज के अंदर था, यानी कि बाहर नहीं आया था, ठीक है ना। हाँ राजा बनोगे, कुछ एज बढ़ेगा तब ना राजा बनोगे, पैदा होते राजा बन जाओ, क्राउन कब लगेगा, जब थोड़ा एज बढ़ेगा तब ना क्राउन लगेगा, तो ठीक है, हाँ चलो उस पर जोक्स पे नहीं जाते, इस पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो हमारे दांत, जब हम दुनिया में आए तो हमारा दांत निकला, तो दांत निकला तो उस समय जो दांत निकलता है वो दांत कुछ दिन रहता है, फिर वो दांत टूट जाता है, एज बढ़ने के साथ वो दांत टूट जाता है, फिर से नया दांत आता है। इसके पीछे का फन फैक्ट, जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था क्या इसलिए टूट जाता है ना, क्योंकि भगवान को पता था कि बचपन में ब्रश तो करेगा नहीं, तो दांत खराब हो जाएगा, तो रिप्लेस कर देते हैं, नया दांत लगा देते हैं, कि ब्रश तो करेगा नहीं बचपन में तो वो दांत तो खराब हो जाएगा, इसलिए भगवान ने क्या किया, दांत को ही बदल दिया, कि बाद में ब्रश करो, इसलिए ब्रश करना चाहिए सुबह शाम, ठीक है ना, क्या करो, ठीक है ना, ब्रश करते ही होंगे आप लोग, बिल्कुल करना चाहिए। चलिए आते फिर से रिटर्न, तो हमारे लाइफ स्पेन में दो बार दांत आते, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ, समझ गए। मिल्क टीथ क्या है, इट इज द टेम्पोररी टीथ, यानी कि ये हमारे बॉडी का टेम्पोररी टीथ है, टेम्पोररी टीथ मतलब अस्थाई, यानी कि जो परमानेंट जीवन भर के लिए नहीं है, इट इज द टेम्पोररी टीथ व्हिच गेट रिप्लेस्ड एट द एज ऑफ अबाउट 12 इयर्स, यानी कि ये बचपन में आता है, जब बच्चा मुश्किल से एक साल का होता है तो दांत आ जाता है, और दांत आता है और फिर 10-12 साल के बाद वो दांत फिर टूटने लगता है और वो रिप्लेस हो जाता है परमानेंट टीथ से, तो मिल्क टीथ हो गया। उसके बाद मिल्क टीथ की अगर हम बात करें तो मिल्क टीथ नंबर में 20 होते हैं, मिल्क टीथ नंबर में कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 में अगर बात करें 20 टीथ होते हैं मिल्क टीथ के, ध्यान सुनिएगा, मिल्क टीथ कितने हैं, 20 में से 8 जो है, 20 में से 8 जो है वो इंसीजर्स हैं, 20 में से कितने इंसीजर्स हैं मिल्क टीथ में, 8 इंसीजर्स हैं, 4 कैनिन्स हैं और 8 मोलर्स हैं, ध्यान सुनिएगा, मिल्क टीथ नंबर में कितने हैं 20, उसमें से कितने इंसीजर हैं, अब आपको सर ये क्या है इंसीजर, कैनिन, मोलर, प्रीमोलर, अभी तुरंत कुछ देर के बाद हम बात करने वाले टीथ के जब टाइप्स में जाएंगे, तो आप बस अभी समझ लीजिए कि टीथ में, टेम्पोररी टीथ में या मिल्क टीथ में 20 टीथ है टोटल, उस 20 टीथ में से 8 इंसीजर, 4 कैनिन और उसके बाद जो है सो 8 मोलर, यही है हमारे मिल्क टीथ के 20, हो गए ना, 8, 4, 12, 8, 20, हाँ 20, ओके ठीक है। अब परमानेंट टीथ की बात करें तो परमानेंट टीथ कब आता है, जब मिल्क टीथ रिप्लेस होता है, तो मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, और परमानेंट टीथ अगर देखें तो वो 32 होता है नंबर, सबको पता है 32 दांत, 32 ही, लोग कहते हैं ना ऐसा मुक्का मारेंगे 32 ही झाड़ देंगे, ठीक है ना, तो 32 ही, 32 मतलब क्या 32, यानी हमारे मुंह में कितना दांत है 32, 32 टीथ है, तो 16 लोअर जॉ में और 16 अपर जॉ में, समझ गए, तो 32 टोटल हमारे माउथ में टूथ है या टीथ है, ठीक है। 32 में से अगर आप देखो तो 8 अगर हम बात करें सबसे टीथ पे ही बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहां लिखते हैं, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, टीथ जो है आपका मैं कह रहा हूं टीथ हो गए आपके सबसे पहला इंसीजर है, फिर कैनिन्स है, फिर प्रीमोलर है और फिर मोलर है, ये मोलर मोल वाला मोलर नहीं है, यानी कि मोल वाला मोलर लगा देना, केमिस्ट्री मत घुसा देना यार, समझ गए ना। तो इंसीजर कैनिन, इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड
मोलस। ये चार तरह के टीथ है बाबू आपके बकल कैविटी में। इंसीजर्स कितने हैं नंबर में? 8। इंसीजर कितने हैं नंबर में? 8। चार लोअर जॉ में और चार अपर जॉ, जितना हाफ हाफ करते चलिएगा, ठीक है ना। तो नंबर में कितने इंसीजर? 8। कैनियंस की अगर बात करें तो 4 है, ये कितने हैं? 4 है। और प्रीमोलर की अगर आप बात करें तो 8 प्रीमोलर है और 12 मोलर है। ध्यान से देखिएगा, इंसीजर कितने बाबू? 8, कैनियंस 4, प्रीमोलर 8 एंड मोलर 12। यानी कि चार इंसीजर लोअर जॉ में, चार इंसीजर अपर जॉ में, दो कैनिन लोअर जॉ में, दो कैनिन अपर जॉ में, 8 में से 4 प्रीमोलर्स लोअर जॉ में और 4 अपर जॉ में, और 12 में से 6 मोलर लोअर जॉ में और 6 अपर जॉ में। तो ये सारे के सारे मोलर्स हो गए। देखिए अब अगर दांत देखे तो अब हमारे दिमाग में आ सकता है कि भगवान ने हमको चार तरह के दांत क्यों दिए, एक ही तरह का दे देते? भाई सभी दांत का अलग अलग में एक्सपर्टीज है, सब अलग अलग चीज में एक्सपर्ट है। अगर आप बात करें, सबसे पहले आप बात करें इंसीजर की, तो इंसीजर जो है वो कटिंग एक्सपर्ट है, कटिंग एक्सपर्ट, ये कटिंग में एक्सपर्ट है, काट डालेगा किसी भी चीज को, ठीक है ना, कटिंग एक्सपर्ट है। कौन? इंसीजर। कैनियंस जो है वो टीयरिंग एक्सपर्ट है, टीयरिंग एक्सपर्ट, समझ गए। मोलर जो है वो क्रशिंग एक्सपर्ट है, क्रशिंग एक्सपर्ट, यानी किसी भी चीज को क्या कर देगा? क्रश कर देगा, समझ गए। और मोलर जो है वो ग्राइंडिंग एक्सपर्ट है। ध्यान सुनिएगा सारी चीजों को, ओके। सबसे पहले इंसीजर की बात करते, एक बात बताओ, कभी सेब खाए होगे जिंदगी में? हाँ, सेब का बड़ा पुराना रिश्ता है, न्यूटन के ऊपर भी गिरा था, ठीक है। तो सेब की बात करते हैं, तो सेब की बात करें तो सेब कभी आप खाए हैं? कैसे खाते हो? ऐसे लेते हो, सामने में देते हो, काट डालते हो। तो सेब काटना होता है तो क्या इधर ले जाते हो तो सामने में लाते हो? अरे यहां फ्रंट में देते हो ना, तो यहीं पर तो है तुम्हारा इंसीजर, तो इंसीजर डालते हो ना, इंसीजर कट कर देता है, नहीं कर देता है तो कट कर देता है, नहीं कुछ भी कट करना हो आपको तो आप क्या करते हैं? सामने मिलाते हैं, ठीक है। और कुछ अगर टीयर करना हो तो आप क्या करते हो? उसे यहां लाते हो कैनिन्स पर। अच्छा, अमरूद खाए होंगे आप लोग, जब अमरूद कच्चा, मान लो कि तुम चुरा के अमरूद तोड़ा किसी के पेड़ में से, हाँ बचपन में सब करता है। अब चुरा के मान लो तुम अमरूद तोड़ लिया किसी के पेट पेड़ में से, बड़ा मेहनत लगा चुरा के तोड़ के लाए, चुरा के खाने में तो अलग ही आनंद आता है, तुम चुरा के लाया अब तुमको खाना है, लेकिन जब ले आया तो पता चला बा ये अमरूद तो कच्चे है, तो तुम्हारा इंसीजर उसको काटने में सक्षम नहीं हुआ, तुम दांत लग रहे, कोशिश कर रहे हो कट ही नहीं रहा, क्या करते हो? तब हल्का सा साइड लाते हैं कैनिन पर, कहते देखो अब पक्का टूट जाएगा, एक बार लगाते हैं और मारते हैं पक्का टूट जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने कटिंग एक्सपर्ट के जगह पे किसको दिया? टीयरिंग एक्सपर्ट को दिया, नहीं। और टीयरिंग एक्सपर्ट ने क्या किया? उस अमृत को तोड़ दिया, ठीक। उसके बाद तो समझ में आया, इंसीजर हो गए कटिंग एक्सपर्ट, टीयरिंग एक्सपर्ट। आप जनरली देखिएगा जो भी कार्निवोरस होता है ना, यानी कि जो हर्बीवोरस की बात कीजिएगा, तो हर्बीवोरस का जो इंसीजर होता है वो बड़ा ही शार्प होता है, क्योंकि उसको ग्रेजिंग करना होता है ना, जो बकरी होगा या हिरन होगा या गाय होगा भैंस होगा उस सबको क्या करना है? ग्रेजिंग करनी है, तो ग्रेजिंग करना है तो उसका इंसीजर क्या होना चाहिए? शार्प होना चाहिए, जिससे कि वो कट कर सके। तो जो हर्बीवोरस होते हैं उसके इंसीजर क्या होते हैं? बड़े ही शार्प होते हैं। और अगर आप कार्निवोरस की बात करेंगे तो कार्निवोरस का जो कैनियंस होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, और वो थोड़ा सा अन्य टीथ की तुलना में थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। अगर आप कभी शेर उर का डायग्राम देखे हो जिसमें शेर दांत दिखाते रहता है, तो आप देखिएगा कैनियंस थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ होता है। अभी आपने सोचा क्यों? कैनिन जो है वो क्या करता है ना, वो देखिए है क्या, हम लोग के पास तो हाथ है, तो अगर हमको फूड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हम हाथ में उठा के लेके चले जाएंगे, लेकिन जो शेर है या कोई भी कार्निवोरस है वो जनरली तो 4-footed है ना, तो उसको अगर मान लो कि किसी का शिकार किया उसने, मान लो कि शेरनी ने शिकार किया, शेर तो कभी कभी शिकार करता है, मान लो कि शेरनी ने शिकार किया, अब उसको फूड अपने बच्चों के लिए भी लेके जाना है तो क्या करेगा? दो पैर पे चलना शुरू कर देगा, आगे वाला पैर से उठा के चल देगा लेके? नहीं पॉसिबल है ना भाई,
क्या करेगा वो, उसको ले जाना है उठा के, तो कैसे ले जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसका जो कैनिन्स होता है वो थोड़ा ज्यादा लंबा दिया भगवान, जैसे कि वो क्या करता है जब ऐसे उसको पकड़ता है तो वो कैनिन्स क्या करता है उसके फ्लैश में धस जाता है और उसको होल्ड कर लेता है, जिसके वो क्या कर सकता है उठा के ले जा सकता है मांस को एक जगह से दूसरी जगह, समझ गए। तो कार्निवोरस का कैनिन्स थोड़ा सा ज्यादा शार्प होता है, थोड़ा ज्यादा निकला हुआ होता है, हर्बीवोरस का इंसिजर शार्प होता है, प्रीमोलर क्रशिंग एक्सपर्ट है, यानी चीजों को क्रश करता है। कभी आपने गन्ना खाया होगा, शुगर कैन, ईख, क्या करते हो, यहां लगाते हो, नहीं यहां नहीं, थोड़ा सा और साइड यहां पर, क्योंकि हमें पता है कि यहीं पर हमारा क्या है प्रीमोलर है, वो क्रशिंग एक्सपर्ट है, तो यहां पे गन्ना लगाते हैं और आराम से उसको चबाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रीमोलर है वो क्या है क्रशिंग एक्सपर्ट है, तो वो क्रश करेगा और क्रश करेगा तब उसमें से रस निकलेगा, तो इसीलिए हम गन्ना को कहां देते हैं प्रीमोलर के पास, ओके। और आखिरी जब कुछ भी मुंह में लेते हो, ठूस जाते हो कुछ भी, तो उसको कहां ले जाते हो, जीभ से साइड में, रोटी मान लो काट लिया या बर्गर, बर्गर खाया हो, बर्गर ऐसे लगाते हो इंसिजर के सामने, तो क्या करो यहीं पे चबाते रहते हो, नहीं उसको तुम शिफ्ट करते हो, जीभ तुम्हारा उसको कहां ले जाता है, इस साइड में ले जाता है, क्योंकि जीभ को पता है कि तुम्हारा जो ग्राइंडिंग एक्सपर्ट है वो क्या है दोनों तरफ लगा हुआ इस साइड में, और वही ग्राइंड करेगा तब ना तुम निकलोगे भाई, तो ग्राइंडिंग एक्सपर्ट इधर है, तो ग्राइंडिंग एक्सपर्ट क्या हुआ मोलर, समझ में आ गया होगा शायद आपको, इंसिजर कैनिन प्री मोलर मोलर, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं आप में सब, ये देखिए क्या लिखा है, तो इंसिजर्स आर कटिंग एक्सपर्ट, कैनिन्स आर टियरिंग एक्सपर्ट, प्री मोलर्स आर क्रशिंग एक्सपर्ट एंड मोलर्स आर ग्राइंडिंग एक्सपर्ट, समझ में आ गया, ओके। और कौन कौन कितने हैं पीसेज में, समझ में आ गया, देखिए सबसे देखिए फ्रंट वाला जो है वो आपका इंसिजर है, इंसिजर के जस्ट बगल में क्या है कैनिन के बाद प्री मोलर, प्री मोलर के बाद मोलर। तो डेंटल फार्मूला की अगर बात करें, डेंटल फार्मूला यानी कि डेंटल फार्मूला जो है वो हमें बताता है, इसको मिटा दे, ओके ठीक है, डेंटल फार्मूला की अगर आप बात करें, डेंटल फार्मूला हमें ये बताता है कि कौन सा टीथ कहां है और कितने मात्रा में, डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला, ये मैथ वाला फार्मूला नहीं, मत सोचना कि इसे सवाल वाल बनेगा कुछ, डेंटल फार्मूला, ये इससे आपको इंफॉर्मेशन देगा कि कहां कितना टीथ है, नहीं है, कैसे है, नहीं है। तो अगर डेंटल फार्मूला की बात करें तो कितने तरह के टीथ है आपके मुंह में, चार तरह के, इंसिजर, सबसे पहले इंसिजर, इंसिजर के बाद कैनिन, कैनिन के बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद मोलर, यही है ना बुआ, एक जॉज में देखिए। तो हमने क्या किया ना, चार पार्ट में कर दिया, एक तो पहले तो लोअर जॉ अपर जॉ, ये तो फिक्स है, तो 16 नीचे 16 ऊपर, और उसमें भी देखोगे तो इधर से अगर मिडिल से देखो तो 8 लेफ्ट में और 8 राइट में, ने उल्टा बोल दिया, हाँ ठीक, 8 लेफ्ट में और 8 राइट में, तो 8 पे फॉर्मूला बनेगा। देखिए एक अगर एक साइड में देखिए, यानी एक जॉ में एक साइड में देखिए, यानी मान लीजिए अगर हम लोअर जॉ में देखते हैं या अपर जॉ में अगर एक साइड में देखिए, तो सबसे पहले दो इंसिजर होगा, एक 8 का हमने सेट बनाया, 8 8 8 8, समझ रहे हो ना बात, 8 16 अपर जॉ में 16, 16 में से 8 इधर और 8 इधर, और लोअर जॉ में भी 16, 8 इधर और 8 इधर, ओके ना, तो 8 8, तो 8 8 का हमने फॉर्मूला बनाया था, 8 के सेट में, हर एक 8 के सेट में दो इंसिजर एक कैनिन, दो इंसिजर एक कैनिन, दो प्रीमोलर और 3 मोलर, फिर से समझ लीजिए डेंटल फॉर्मूला, थोड़ा सा समझ लीजिए, हमारे पास बाबू 32 दांत है, 16 नीचे जाओ में 16 ऊपर जाओ में, तो 16 को हमने क्या किया 8 8 के सेट बनाए, 8 जिस तरह इधर है उसी तरह 8 इधर है, 8 जिस तरह इधर है उसी तरह इधर है, तो 8 के सेट में अगर देखो तो हर एक 8 के सेट में दो इंसिजर एक कैनिन दो प्रीमोलर और 3 मोलर, कितने हो गए 2 1 3 2 5 3 8, और नीचे में भी क्या ठीक इसी तरह जस्ट इसके 8 ऊपर में जिस तरह उसी तरह से क्या नीचे में भी 2 1 2 3, और ये इधर भी और इधर भी इंटू 2 क्या हो गए 32 हो गए, यही तुम्हारा क्या है डेंटल फॉर्मूला। यानी कि हमने अपने मुंह में जो 32 दांत है उन 32 के 32 दांत को हमने क्या किया बुआ 8 8 के 4 सेट बनाए, 8 2 सेट ऊपर जॉ में 2 सेट अपर जॉ में और 2 सेट लोअर जॉ में, तो अपर जॉ वाले सेट में 8 दांत में अगर देखो तो 2 इंसिजर एक कैनिन 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, तो इस तरह से 8 8 का सेट बना और 32 दांत, ये हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला। तो यही था दांत से जुड़ी हुई चीजें, शायद आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं बता देता हूं दांत में आपने क्या क्या पढ़ा, तो दांत में आपने सबसे पहले दांत क्या है, दांत हमारे बकल कैविटी में मौजूद हार्ड स्ट्रक्चर है,
जो क्या करता है फूड का फिजिकल डाइजेशन करता है, यानी उसे ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पीसेज में, जिससे कि एंजाइम्स उस पे क्या सरफेस, जिससे कि फूड का सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिससे कि एंजाइम्स इजीली उस पे एक्ट कर सके। दांत की अगर बात करें तो दांत के तीन हमारे मुंह में जो है सो 32 दो बार एक टीथ की अगर बात करें तो हमारे टीथ का तीन पोर्शन है, क्राउन नेक रूट, क्राउन एक्सपोज पार्ट, नेक मिडिल पार्ट, थिन थिन नैरो सा पोर्शन एंड रूट गम में धसा हुआ। ठीक, हमारे मुंह में दो बार दांत आता है, मिल्क टीथ परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ 20 है नंबर में, परमानेंट टीथ 32 है नंबर में, इंसिजर कैनिन प्रीमोलर मोलर सारी चीजें एक बार देख लीजिए, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन बचा बकल कैविटी में, अब बचा सेलेबरी ग्लैंड, किस पे आते हैं हम लोग सेलेबरी ग्लैंड पे। ओके, सेलेबरी ग्लैंड की बात करें बाबू, तो देखिए हमारे माउथ के अंदर हमारे बकल कैविटी में सेलेबरी ग्लैंड है, तीन पेयर सेलेबरी ग्लैंड है, कितने पेयर, थ्री पेयर सेलेबरी ग्लैंड। तो ह्यूमन के बक्कल कैविटी में तीन पेयर सेलेबरी ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करते हैं सेलाइवा, यानी इन ह्यूमन बक्कल कैविटी देयर आर थ्री पेयर सेलेबरी ग्लैंड व्हिच सिक्रीट्स सेलाइवा। जो ही आपको भूख लगता है या कुछ आप टेस्टी सा देखते हैं समोसा टाइप, आपके मुंह में तुरंत क्या होता है, पानी आना शुरू हो जाता है, पता है कि मेरा समोसा नहीं है दूसरे का, फिर भी पानी आना शुरू हो जाता है, खाने का मन होना चाहिए सिर्फ अचार, अभी मैंने बोला अचार, कितने के मुंह में पानी आ गया होगा, नहीं तो अचार सुनते ही पानी भर जाता है मुंह में, नहीं वो पानी नहीं है, वो सच में क्या है सेलाइवा है, वो क्या है सेलाइवा है, समझ गए। तो हमारे बक्कल कैविटी में, ह्यूमन के बक्कल कैविटी में तीन पेयर सेलेबरी ग्लैंड है जो सिक्रीट करते हैं क्या सेलाइवा, क्या सिक्रीट करते हैं सेलाइवा। अच्छा सेलाइवा क्या है, सेलाइवा एक वाटरी लिक्विड है, नहीं सेलाइवा क्या है एक वाटरी लिक्विड है, हाँ कितना आदमी सोता है तो निकलता है बाहर उसका, हमने देखा होगा ठीक है ना, बच्चा सोता गिरते रहता है वही सेलाइवा ही है, समझ गए ना। तो सेलाइवा क्या है, एक वाटरी लिक्विड है, सेलाइवा क्या है एक वाटरी लिक्विड है जिसका काम होता है फूड को लुब्रिकेट करना, ध्यान सुनिएगा, सेलेवा इज अ वाटरी लिक्विड विच लुब्रिकेट फूड एंड हेल्प इन स्वेलिंग स्वेलोइंग, यानी सेलेवा एक वाटरी लिक्विड है जो फूड को निगलने में हमारी मदद करता है। आप सभी ने बाबा धाम का चूरा खाया होगा या सत्यनारायण भगवान का प्रसाद, सत्यनारायण भगवान की पूजा में प्रसाद होता है ना, खाए होंगे जरूर, सूखा वाला प्रसाद मिलता है ना, निकलना बड़ा कठिन होता है, चिपक जाता है चारों तरफ मुंह में, और उसको आप तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि पर्याप्त मात्रा में सेलाइवा ना आ जाए, सेलाइवा आता है वो प्रसाद पूरी तरह से मिक्स होता है और फिर जब वो लुब्रिकेट हो जाता है तभी आप उसे क्या कर पाते हैं निकल पाते हैं। और नहीं कुछ खाया होगा तो सूखा हॉर्लिक्स तो जरूर खाया होगा बचपन में, जब हॉर्लिक्स खाने को मिलता है हम सबको, हम लोग का मन क्या रहता है कि दूध के बदला में अगर सूखा मिले तो ज्यादा बेटर है, हम लोग चढ़ा चढ़ा के खाते रहते सूखा वाला, सबने खाया होगा, हमने भी खाया आपने भी खाया होगा, तो क्या होता है वो, तो हम कोई भी चीज जो ड्राई चीजें हैं कोई पाउडरी चीज हम नहीं निकल सकते, अभी बात जानते हैं, उसे क्या होता है लुब्रिकेट करना होता है, तो फूड को लुब्रिकेट करने का काम कौन करेगा सेलाइवा। तो सेलाइवा इज अ वाटरी लिक्विड व्हिच लुब्रिकेट द फूड एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग, किसमें मदद करेगा स्वेलोइंग, और सेलाइवा को मिक्स कौन करेगा टंग, सेलाइवा को फूड में कौन मिक्स करेगा टंग, बाबा धाम वाला चूरा भी खाया होगा बड़ा पतला पतला होता चिपक जाता है चारों तरफ, जीव हमारा निकालते रहता है उसको खींच खींच करके फिर उसको मिक्स करता है चबा चबा करके तब हम जबरदस्ती निकलते हैं उसको, ठीक है ना। अच्छा तो ये तो हो गया बात, तो सेलाइवा वाटरी लिक्विड है जो फूड को लुब्रिकेट करता है जिससे कि हम उसे क्या कर सके स्वेलो कर सके। ओके ठीक, इसके बाद सेलाइवा के अंदर, सेलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसे हम कहते हैं सेलाइवरी एमाइलेज, ध्यान सुनिएगा, सेलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसे हम कहते हैं सेलाइवरी एमाइलेज, ठीक, और वो सेलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, वो स्टार्च पे एक्ट करता है, किस पर एक्ट करता है स्टार्च पर। अब याद कीजिए फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो वो फूड बनाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को वो क्या करता है अपने लिए भी यूज करता है, और जो ग्लूकोज उसके लिए एक्स्ट्रा होता है उसके पास उसे वो क्या करता है स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। तो मान लो कि तुमने प्लांट का प्रोडक्ट अगर खाया तो उसमें स्टार्च है, और उसी स्टार्च पे सबसे पहले कौन एक्ट करेगा सेलाइवरी एमाइलेज। तो सेलाइवा के अंदर एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है सेलाइवरी
एमाइलेज जो एक्ट करता है किस पर, स्टार्च पर। स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है हमारे पास माइक्रो, हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो स्टार्च किसकी श्रेणी में आएगा, कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आएगा, कार्बोहाइड्रेट की। और याद रखिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होगा। कार्बोहाइड्रेट पच करके ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन पच करके एमिनो एसिड बनेगा, और फैट पच करके फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बनेगा। हम लोग पढ़ेंगे आगे इसको। तो स्टार्च पे एक्ट करता है कौन, सलाइवा में मौजूद सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज जो कि एक एंजाइम। तो सलाइवा कंटेन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज व्हिच एक्ट ऑन स्टार्च एंड डाइजेस्ट इट पार्शियली। ये मत सोचिएगा कि स्टार्च पच जाएगा मुंह में ही, पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। यही रीजन है कि अगर आप रोटी को मुंह में ले लीजिए और लंबे समय तक चबाते रहिए तो रोटी मीठा लगने लगेगा। या कभी आप किए होंगे, गेहूं ले लीजिए मुंह में और गेहूं को चबाते जाइए चबाते जाइए चबाते जाइए चबाते जाइए, गेहूं मीठा लगने लगेगा एक समय के बाद। क्यों मीठा लगने लगा रोटी, क्योंकि रोटी में स्टार्च मौजूद था और तुमने माउथ में लेकर के उसको जब तुम चबाते गए चबाते गए चबाते गए निकले ही नहीं, सिर्फ रोटी है उसमें चीनी नहीं है, सिर्फ रोटी है। आप करके देखिएगा आज, रोटी तोड़ लीजिए मुंह में और उसको चबाते जाइए चबाते जाइए, एक समय आएगा जब रोटी मीठा लगने लगेगा। क्यों मीठा लगने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे सलाइवा के अंदर मौजूद सलाइवरी एमाइलेज ने क्या किया, उसके उस रोटी के अंदर मौजूद स्टार्च पे एक्ट किया, और स्टार्च पे एक्ट करके क्या किया, उसके स्टार्च को डाइजेस्ट करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। जो ही वो ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज मीठा लगेगा। ऐसा समझ में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीबीएसई पूछ भी सकता है कि जब हम रोटी को लंबे समय तक मुंह में चबाते हैं तो रोटी मीठा क्यों लगने लगता है। तो रोटी मीठा इसलिए लगने लगता है क्योंकि हमारे माउथ में मौजूद सलाइवरी एमाइलेज उसे क्या कर देता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज निकलता है और वो ग्लूकोज हमें मीठा का फीलिंग देता है। ठीक। अच्छा, सलाइवा के अंदर, सलाइवा में एक और सब्सटेंस होता है, एक और केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। सलाइवरी एमाइलेज तो है ही, इसके अलावा एक और केमिकल है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम बैक्टीरिया किल करता है। अगर मान लीजिए आपने खाना खाया और खाने के साथ बैक्टीरिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया आपके मुंह में आ गया तो आपका लाइसोजाइम क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। यही रीजन है कि जब आपका हाथ करता है कुछ भी करता है तो आप मुंह में ले लेते हैं, लेते हैं ना, खून बहना बंद हो जाता है, इंफेक्शन से आप बच जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके सलाइवा के अंदर मौजूद है क्या, लाइसोजाइम। क्या मौजूद है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। यही रीजन है कि आप क्या करते हैं कि जब हाथ करता है तो आप क्या करते हैं, उसे मुंह में ले लेते हैं और खून आपका बंद हो जाता है और वो थोड़ा इंफेक्शन से भी बचाता है। ठीक है ना। तो लाइसोजाइम सलाइवा के अंदर एक केमिकल मौजूद है जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं, जो फूड के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को भी किल करता है, और यही रीजन है कि हम उसको भी करते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमारे बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में सलाइवा बनाने का काम तो सलाइवरी ग्लैंड कर रहा है। पर डे नियरली हमारे बॉडी में जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो टोटल मिलाकर के लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रेट करता है। 1 to 1.5 लीटर, इतना ज्यादा सलाइवा सेक्रेट होता है हमारे मुंह में। हमेशा हमारा मुंह लुब्रिकेट होता रहता है, आप बोलते हैं तब भी हमेशा आपके मुंह के अंदर क्या होता है, सूखता कभी थोड़े। तो सलाइवा कंटिन्यूअसली सेक्रेट होता है। हाँ, जब हम खाने होने वाले होते तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना, तो वो अलग है। तो हमारे बॉडी के अंदर पर डे लगभग ऐसा 1 से 1.5 लीटर सलाइवा डेली सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट करता है। अच्छा हाँ, एक बात और, सलाइवरी एमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं। सलाइवरी एमाइलेज जो नोट में लिखा हुआ है, सलाइवरी एमाइलेज जो है उसको हम क्या कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं। सलाइवरी एमाइलेज का एक दूसरा भी नाम है जिसे हम कहते हैं टाइलिन। अच्छा देखिए, यहां लिखा है कि सलाइवा कंटेन केमिकल कॉल्ड लाइसोजाइम व्हिच फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है। वी प्रोड्यूस अबाउट 1 लीटर to 1.5 लीटर सलाइवा पर डे, यानी कि पर डे हम 1 to 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और सलाइवरी एमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज टायलिन। सलाइवरी एमाइलेज को आप क्या कहते हैं, टायलिन भी कहते हैं। ठीक, तो ये था बात सलाइवरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ, शायद आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद सलाइवरी एमाइलेज नहीं, मतलब बकल कैविटी के बाद फूड कहां चला जाएगा, फेरिंग्स में। कल हमने बात की थी बकल कैविटी के बाद क्या, मौत के बाद क्या, फेरिंग्स ही था ना, तो फेरिंग्स में फूड चला जाएगा। तो जो ही खाने के अंदर, तो देखिए अब हम बात करते हैं, जो ही आप फूड को अपने मौत के अंदर लीजिएगा, मौत के अंदर क्या क्या होगा, देखिए आप खाने खाना मौत के अंदर लिया, मौत के अंदर खाना लेते ही आपके सलाइवा ने, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सेक्रेट किया और आपके दांत ने उस फूड को ब्रेकिंग डाउन किया, उसका फिजिकल डाइजेशन किया, आपके टंग ने सलाइवा को अच्छे से मिक्स कर दिया,
उस फूड के साथ फूड लुब्रिकेट हो गया और आप उस सलाइवा के अंदर मौजूद सलाइवरी एमाइलेज ने फूड में मौजूद स्टार्च पे भी काम करना शुरू कर दिया और आपने क्या किया फिर उसे निगल लिया। निगलने में किसने मदद की? टंग ने। तो आपने खाना निगल लिया और खाना जो ही आपने निगला तो खाना अब आपके एलिमेंट्री कनाल के एक पार्ट से निकल के दूसरे पार्ट में इंटर कर गया और वो दूसरा पार्ट कौन है? फैरिंग्स।